दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और आज जो लड़कों ने आपने देखा होगा यहाँ पर जो है क्लर्क भर्ती अभी तक नहीं हो पा रही, तो क्लर्क भर्ती है इंटर कॉलेज के अंदर के, जो अभी तक जो है इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हुआ, क्योंकि उसमें टाइपिंग टेस्ट रह गया, साथ में इंटरव्यू रह गया। तो इसको लेकर जो है लड़कों ने आज बीजेपी कार्यालय पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया हुआ है। और यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर जो है लखनऊ के अंतर्गत बीजेपी कार्यालय पर लड़कों को प्रदर्शन किया हुआ है। और चपरासी भर्ती सरकारी क्यों नहीं हो रही, संविदा पर भर्ती हो रही, इसके लिए जो है लड़कों ने बहुत बड़ा जो धरना, आपको धरना प्रदर्शन हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है ये। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जो है ये यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में जो है धरना प्रदर्शन किया हुआ, क्योंकि अभी तक जो है वो क्लर्क भर्ती नहीं आ रही थी यहाँ पर जो है ये। और जब भर्ती आई तो उसमें जो है टाइपिंग टेस्ट जो है अभी नहीं हुआ, और साथ में कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ है, साथ में ज्वाइनिंग लेटर अभी रुका हुआ है यहाँ पर जो है। और तो और इंटरव्यू भी इसमें जो है नहीं किया गया, ये देख लीजिए यहाँ बैनर दिखा रहे हैं, पुरानी क्लर्क भर्ती अभी तक जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। और सरकारी आपकी चपरासी भर्ती जो कब तक आएगी, लड़के को जो है पुलिस कर्मी जो है लगातार घसीट के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये, क्योंकि बात ये लड़की की जायज है, प्रदर्शन कर रहे हैं जायज, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुलिस कर्मी जो है किस तरीके से जो है लड़कों को एकदम घसीट के लेके जा रहे हैं, पकड़ कर लेके जा रहे हैं। क्योंकि इनकी डिमांड क्या है, डिमांड यही है कि हमारी जो पुरानी क्लर्क भर्ती है उसमें अभी हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ हुआ, और साथ में बहुतों की शादी रुकी हुई है यहाँ पे क्लर्क भर्ती के अंदर, बहुतों की शादी रुकी हुई है, इसलिए जो है ये। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लड़के लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर जो है हमारी जो है मतलब पुरानी क्लर्क भर्ती की न्यूज़ बताइएगा, एक साल हो गया, लड़कों की शादी भी अभी हुई है, इसमें जो है अभी अटकी हुई है। सही बात है, लड़कों की शादी अटकी हुई है। और यहाँ पर लड़के जो है धरना प्रदर्शन करने गए, लखनऊ में गए थे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है लड़के धरना प्रदर्शन करने लखनऊ को, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक जो है आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ मेरी तस्वीर की इमेज के माध्यम से, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। साथ में सरकार ने बोला था कि हम जो है सरकारी चपरासी भर्ती जीआईसी में करने वाले, 2600 पदों पर जो है जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती आने वाली है, तो वो कब तक आएगी। यहाँ इसी को लेकर जो है लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे जो ये बीजेपी कार्यालय पे, इस तरीके से हैं धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, बस में ठूस दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इस बस में जो है इसको ले जाया गया, ठीक है, इनको यहाँ पे ले जाया गया और यहाँ पे भेज दिया गया इनको जेल में, ठीक है। लड़के डिमांड कर रहे हैं, अखबार में आई थी सर एक बात बताइएगा, राजकीय इंटर कॉलेज में जो 2600 पदों पर चपरासी भर्ती सीधी भर्ती कराई जाएगी, वो कब कराई जाएगी, उसी को लेकर जो है लड़के के मतलब पुरानी क्लर्क भर्ती और आपके 2600 पदों पर जीआईसी भर्ती चपरासी भर्ती को लेकर जो है लड़कों ने आज जो है लखनऊ में कार्यालय पर, जो बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया हुआ है। अब देखते हैं क्यों भी जो भी अपडेट मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। और दूसरी ओर जो है सबसे बड़ी खबर यह है कि आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट भर्ती समाप्त कर दिया गया है, और यहाँ पे जो 57,000 जो है कर्मचारियों को जो है संविदा कर्मचारी को परमानेंट कर दिया गया है। कहने मतलब क्या, 57,000 कर्मचारी जो थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 57,000 जो नियुक्तियाँ हुई थी यहाँ पर जो है ये, उनको जो है उनको जो आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ हो रही थी और जो है परमानेंट करने का फैसला ले लिया गया है यहाँ पर भी जो है लिया गया। यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री जी ने जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो है बोल दिया गया कि 57,000 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो है परमानेंट किया जाएगा, और जल्द जो है परमानेंट भी यहाँ पर करने का फैसला भी लिया गया है, क्योंकि इलेक्शन सर पे इलेक्शन को देखते हुए फैसला जो है लिया गया है। और तो और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पे जो है फैसला 57,000 जो कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, और हालांकि सरकार को इसके लिए हर साल जो है 1300 करोड़ रुपये अब खर्च करने होंगे, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब 57,000 कर्मचारियों को जो इनको जो है परमानेंट कर दिया गया है ये जो है। और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है 3 नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया सुबह की वीडियो में बता दिया था, पैट 2023 जो हुआ था उसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई, यहाँ पे दो दो पालियों का आंसर की है, 6 नवंबर 2023 की नोटिस है। कहने मतलब कि आज का नोटिस दी है, 6 नवंबर 2023 का नोटिस यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो आया था, बताया गया था यहाँ पे जो है ये पैट 2023 35 जनपदों में जो 28 व 29 अक्टूबर को जो है दो पालियों परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो कराई गई थी, तो यहाँ पे जो है तो मास्टर आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई आपकी लिखित परीक्षा की, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट जाके ये जो आंसर की आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह के लिंक पे जाके भी आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, और वेबसाइट पे जाके यहाँ जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये जो है लिंक दिया हुआ 28 तारीख 29 तारीख दो दिन परीक्षा कराई गई थी उत्तर प्रदेश के जो है 35 डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश सेवा चयनायोग लखनऊ पैट 2023 उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, और यहाँ पे यह परीक्षा तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है। यानी मतलब क्या, परीक्षा तिथि तो आपको पता ही 28 तारीख को थी, तो यहाँ पे 28 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, पेपर वर्ड हार्ड आया था, जो IAS PCS के लेवल का एग्जाम था इसमें जो है, तो इसके आंसर की यहाँ पे जो है पैट 2023 के आंसर की जारी कर दी गई है।
और जो सेकंड नोटिस आपका ये है 6 नवंबर 2023 का आवश्यक सूचना है ये, सहायक बोरिशन टेक्नीशियन के जो है प्रैक्टिकल की डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है। यहाँ पर 486 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जो है वो आपका आया था यहाँ पे 28 को, कहना मतलब क्या आपका 22 अगस्त 2023 को आया था, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल की डेट घोषित कर दी गई है। और जो है कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा इसका ऑफिशियल, मतलब इसका ऑफिस है ये UP SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, यहाँ पे जो 29 नवंबर के दिन जो है यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए, यहाँ पर जो है ये इनको जाना है अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे ये यहाँ पर बताया सहायक टेक्नीशियन, यहाँ पे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, और यहाँ पे जो मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये 486 पदों पर जो है चयन परिणाम यहाँ पे वो बता दिया गया है। और यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट यहाँ पे जो है रोल नंबर की डाल दी गई है, ये जो आप देख सकते हैं। जानकारी के लिए जो है इसमें बताया कि 29 कि आपको जाना है, 25 अभ्यर्थियों इसमें सूचित किया गया है, ठीक है, 10 बजे यहाँ पर सुनिश्चित आपको पहुँचना है। और जो है तीसरे जो इसका जो जो लेटर आया UP SSC की तरफ 6 तारीख का आज का है ये, यहाँ पर जेई 2023 वाला जो था ये 2016 का जो है आपने देखा होगा यहाँ पर जो है चयन परिणाम आपको प्रकाशित किया गया, ठीक है, आप 53 अभ्यर्थी जो अवबंधित चयनित किए गए, कहने का मतलब क्या जेई का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 386 अभ्यर्थियों को जो है ये सफल घोषित कर दिया गया है। ये ज़्यादा जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पूरी यहाँ पर लिस्ट जो यहाँ पर बताया गया 10 बजे आपको जो है पहुँचना है, उपस्थित होना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो लड़के यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, साथ में इन्होंने कहा कि जो है चपरासी भर्ती जो आई थी सर जो है पैसे से नौकरी मिल रही संविदा वो अब चपरासी वाली, ऐसी बात नहीं है, बिना उसके भी मिल रही लोगों को जो है ऐसी बात नहीं, कुछ लड़कों ने कमेंट भी किया हुआ, दो चार को छोड़ जो 2-4 रुपए उसमें वो मांग रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे, भैया पुरानी क्लर्क भर्ती अपडेट दीजिएगा। पुरानी क्लर्क भर्ती को लेकर प्रदर्शन भी हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ कोर्ट में भी तारीख लगी पड़ी है, यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर डेट बताया गया सर, कोर्ट की तारीख जो है कब की लगी हुई है, 9 तारीख लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भर्ती में जो है पैसे चल रहे हैं क्या, ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं क्या, पुरानी चपरासी भर्ती चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट पर जो है उन्हें पैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मुझको नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लड़के यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर झांसी जिले से जो है चपरासी भर्ती कब तक आएगी, मैंने आपसे बोला चपरासी भर्ती झांसी जिले से जो है बहुत जल्द आने वाली है, कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके रह चुके हैं, जैसा आपका जो कासगंज हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, यहाँ पे जो है ज्वाइंग लेटर मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो प्यौन भर्ती इंटर कॉलेज में जो है कब तक आएगी, शाहजहानपुर के अंतर्गत जो है ये अभी भर्ती नहीं आई, आ जाएगी, बाकी सभी 2-4 जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में भर्ती आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के एडेड इंटर कॉलेज में जो है भर्ती कब तक आई, मैंने आपसे बोला था ना एडेड इंटर कॉलेज मुरादाबाद RN इंटर कॉलेज, यहाँ पर चपरासी भर्ती कुछ दिन पहले चल रही थी, वहाँ जाके आप देख लीजिए, RN इंटर कॉलेज मुरादाबाद फेमस है, वहाँ पे आप ये आप जी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके चैनल से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो भैया चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।